to RS Group of Schools. I am Gaurav Sharma, your computer teacher. Today, we are going to start a new topic of your syllabus. आज हम आपके syllabus के new topic को start करने जा रहे हैं. तो चलिए देखते हैं. Students, हमारा आज का topic है computer network के प्रकार. Computer network के बारे में हमने पिछले video में discuss किया था. आज हम उसके प्रकार के बारे में discussion कर रहे हैं. कंप्यूटर नेटवर्क के प्रकार दो तरीके से देखे जा सकते हैं, जिसमें से हमारा पहला तरीका जो है वो भौगोलिक संरचना के आधार पे है और एक भौगोलिक दूरी के आधार पे. तो जो संरचना के आधार पे नेटवर्क के प्रकार हैं, वो हम आज यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें कि इनके तीन प्रकार होते हैं. पहला सर्वर नेटवर्क, दूसरा पीयर नेटवर्क और तीसरा हाइब्रिड नेटवर्क. आज हम इन तीनों के बारे में डिस्कस करेंगे और जो भौगोलिक दूरी के आधार पर नेटवर्क के प्रकार हैं वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में उसको देखेंगे. उसके अंदर हम आपको बता दें, उसके अंदर लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क और मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, इनके बारे में हम अपने दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे. आज हम इन तीनों नेटवर्क के बारे में देखने जा रहे हैं कि इनमें किस तरीके से इनकी संरचना होती है. यहाँ हम तीन प्रकार के नेटवर्क देखते हैं. पहला सर्वर नेटवर्क, दूसरा पीयर टू पीयर नेटवर्क, तीसरा हाइब्रिड नेटवर्क. सर्वर नेटवर्क में यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक ऐसा नेटवर्क है जिसमें एक केंद्रीय कंप्यूटर है जो कि सर्वर कहलाता है, जो कि ये बाकी के जो अदर कंप्यूटर्स हैं जिनको हम क्लाइंट्स या नोड्स बोल सकते हैं, उन सभी से ये जुड़ा होता है. सर्वर नेटवर्क जो होता है, इस पर ये जो है वो सर्वर की उपस्थिति को दिखाता है, जिसके कारण नेटवर्क को सुरक्षा मिलती है. मींस जो हमारा पूरा नेटवर्क है वो इस सर्वर से कनेक्टेड रहता है और ये सर्वर उन सारे बाकी क्लाइंट्स कंप्यूटर को इन्फॉर्मेशन सेंड करता है. और जो ये क्लाइंट कंप्यूटर है, इनका वर्क क्या होता है? इनका वर्क है फाइल्स को स्टोर करना, प्रिंट करना, ये सारे काम जो है वो इन क्लाइंट कंप्यूटर के द्वारा करे जाते हैं. तथा सर्वर कंप्यूटर जो होता है, उसका काम होता है इन सभी के जो भी वर्क इन सब सिस्टम्स में परफॉर्म करवाने हैं, उन सबको वो रिसीव करके और उनसे रिलेटेड जो भी सेवाएं, जो भी सर्विसेज हैं, वो इन सभी क्लाइंट्स को दोबारा से सेंड करता है. तो इस तरीके का वर्क जो है वो सर्वर नेटवर्क के द्वारा किया जाता है. इसके उदाहरण के लिए हम किसी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि हमारी रेलवे रिजर्वेशन, रेलवे की वेबसाइट है, और मेडिकल का कोई मान लीजिए डिपार्टमेंट है, या फिर इस तरीके से बहुत सारी सेवाएं हैं, जैसे बैंकिंग सर्विस है, इन सभी में हम लोग क्या कर देखते हैं कि सर्वर से कनेक्टेड है हमारे सिस्टम्स, जो कि हमारे सर्वर के द्वारा जो चलाए जाते हैं और सर्वर से इन्फॉर्मेशन मिलती है हमें. इसी तरीके से हमारा दूसरा नेटवर्क है पीयर नेटवर्क. पीयर नेटवर्क में क्या होता है, इसमें इस नेटवर्क में आप सर्वर नहीं होता है और जो यूज़र है वो आप अपनी आवश्यकता के अनुसार जो भी डिस्क स्पेस वगैरह है उस सबको क्रिएट करके, और जो इनका जो इनसे रिसोर्सेज कनेक्टेड होते हैं, जैसे प्रिंटर हैं, मॉडेम है, इन सबको क्या जो है वो शेयर कर सकता है पीयर नेटवर्क में. इसमें सारे सिस्टम जो है वो डायरेक्टली एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं. कोई भी अगर किसी इंफॉर्मेशन को किसी पर्टिकुलर सिस्टम पे डायरेक्टली भेजना चाहता है या एक चैनल के थ्रू भेजना चाहता है, तो इस पीयर नेटवर्क में वो चीज़ पॉसिबल होती है. इसी तरीके से हमारा नेक्स्ट है हाइब्रिड नेटवर्क. हाइब्रिड नेटवर्क में क्या होता है, देखिए ये सर्वर नेटवर्क और पीयर टू पीयर नेटवर्क का एक तरीके का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है. इसमें सर्वर, क्लाइंट और पीयर, ये पूरा एक मतलब कॉम्बिनेशन आप इसमें देख सकते हैं कि देखिए इसमें सर्वर भी है और जो ये संरचना है वो एक तरीके से पीयर टू पीयर नेटवर्क की तरह है. इसमें जो भी ये नोड्स हैं, ये सभी आपके नोड्स कहलाए, या फिर इनको हम वर्क ग्रुप्स भी बोल सकते हैं, जो कि इस कनेक्टेड सर्वर से जो है वो डायरेक्टली कनेक्टेड हैं. हाइब्रिड नेटवर्क में क्या होता है, देखिए जैसे कि सर्वर नेटवर्क और पीयर टू पीयर नेटवर्क में आपने देखा कि सर्वर में सर्वर से कनेक्टेड है, पीयर टू पीयर में आपके ये डायरेक्टली कनेक्टेड है. तो सर्वर नेटवर्क जो है वो स्टार टोपोलॉजी से रिलेट करता है और पीयर टू पीयर नेटवर्क जो है वो रिंग या बस टोपोलॉजी से रिलेट करता है. अब हमारा जो हाइब्रिड नेटवर्क है, ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन है. मींस अगर हम ऐसे दो नेटवर्क्स को आपस में मिला दें जिसमें से एक नेटवर्क जो है वो स्टार टोपोलॉजी को रिलेट कर रहा हो, या तथा दूसरा जो नेटवर्क है वो रिंग या बस टोपोलॉजी से
के आधार पे बना हुआ हो और उन दोनों को अगर हम कंबाइन कर दें तो हमारा जो नेटवर्क बन के आता है वो हमारा कहलाता है हाइब्रिड नेटवर्क। सो स्टूडेंट्स, दीज आर द टॉपिक्स विच वी हैव कवर्ड टूडे। इन अवर नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट द न्यू टॉपिक ऑफ योर सिलेबस। तब तक के लिए कीप स्टडिंग एंड बी हैप्पी ऑलवेज। थैंक यू।